अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा ऑटोकैड का फोर्थ लेक्चर है आपके अपने चैनल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। इंशाल्लाह इस चैनल के थ्रू आप सब स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप ऑटोकैड कंप्लीट ऑटोकैड सीखेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर फोर, फोर्थ लेक्चर ऑफ ऑटोकैड। आज हम थ्री कमांड यूज करेंगे, एक है कॉपी कमांड्स, दूसरा है जूम कमांड एंड तीसरा है मिरर कमांड। तो आइए चलते हैं ये कमांड हम ऑटोकैड में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम ऑटोकैड को ओपन करते हैं। ऑटोकैड को ओपन करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट कमांड हमारे पास कॉपी कमांड है, तो हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं या एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सर्कल का वही कमांड है सी एंटर और रेक्टेंगल का आर ई सी एंटर। ठीक है, तो अब हम इसको कॉपी कमांड इस पर अप्लाई करते हैं कि अब हम इसकी कॉपी कैसे बनाएं। ठीक है, तो आइए चलते पहले इस सर्कल का कॉपी के लिए कमांड है सी ओ एंटर। सी ओ एंटर प्रेस करने के बाद आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिस ऑब्जेक्ट की आपने कॉपी बनानी। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करने के बाद सर्कल को मैं सेंटर से पकड़ता हूं और इसकी मैं इस साइड पर कॉपी बनाता हूं। एक कॉपी हो गया, ये दूसरी कॉपी हो गई, ये तीसरी कॉपी हो गई। जितनी कॉपी आप इसकी बनाना चाहते हो कंटिन्यूस क्लिक करो, वहां पर इसकी आपके साथ इस तरह की कॉपी बन जाएगी। कमांड्स को खत्म करने के लिए एस्केप का बटन प्रेस करें तो आपके पास कमांड खत्म हो जाए। तो ये हमारे पास एक कॉपी कमांड का इस्तेमाल है। ठीक है, ठीक। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास हमारा नेक्स्ट कमांड जो है वो है जूम कमांड। जूम कमांड है और एक मिरर कमांड है। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट कमांड अप्लाई करते हैं, जूम कमांड। ठीक है, जूम कमांड हम दो तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं ऑटोकैड में। एक जूम कमांड हम सर्कल के मतलब माउस का जो कर्सर है उसकी मदद भी हम जूमिंग कर सकते हैं, और दूसरा जो हमारे पास है जूम कमांड वो फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट मैंने बना लिए रेक्टेंगल, इसको मैं जूम करना चाहता हूँ माउस से नहीं डायरेक्ट, तो इसके लिए कमांड होगा जेड इंटर एंड। तो देखिए आपके पास ये ऑब्जेक्ट जूम होगी, और आप अगर माउस से जूम इन जूम आउट की माउस से भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा थर्ड और लास्ट कमांड आज के लेक्चर का है वो है मिरर कमांड। तो मैं यहाँ पर एक इररेगुलर शेप का मतलब एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ लाइन के थ्रू से। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ कर लिया, अब मैं चाहता हूँ कि इसकी हूबहू मिरर मतलब आईना कॉपी इसके साथ मेरी इसके साथ मतलब एक कॉपी बन जाए जो इसके साथ बिल्कुल मैचिंग हो, तो इसके लिए मिरर कमांड यूज होता है। ये रेक्टेंगल है, मैं इसको रिमूव करना चाहती हूँ, ये एंटर। तो मिरर के लिए एम आई एंटर, एम आई एंटर आपने प्रेस कर लिया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, फिर एंटर प्रेस कर लिया, फिर एक कॉर्नर से आप ऑब्जेक्ट को पकड़ ली जहाँ से आपने इसकी मतलब कॉपी चाहिए, जिस लोकेशन पे आपको इसकी कॉपी चाहिए मतलब मुझे इस लोकेशन पर इसका मिरर चाहिए, तो मैं क्लिक कर लेता हूँ प्रेस एंटर। देखें आपके साथ इस ऑब्जेक्ट की कॉपी सेम टू सेम कॉपी बन गई। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिले होगी। नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर फोर में। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा लेक्चर नंबर फोर, तो उसमें इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट कमांड के बारे में बताऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।